साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों भाई, आज अपन बात करेंगे ओमान मस्कत से रिलेटेड। हालांकि इससे लोगों की इतना नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो हर रोज़ मैं लगभग सभी कंट्रियों के जो गल्फ से रिलेटेड हैं उनके वीडियो मैं बनाता हूं जानकारी के लिए, ताकि आपको सही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं ओमान मस्कत से रिलेटेड। तो मस्कत में साथियों अभी ओमान में क्या स्थिति है कोरोना से लेके, तो भाई 1600 प्लस वहाँ पे अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 7-8 अभी तक मौत हुई हैं, उसमें से 240 के करीब अभी तक रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। तो ये है कोरोना से अपडेट। आगे हम बात करते हैं आगे की जानकारी के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों वहाँ पे कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगा था 22 अप्रैल को ओपन होने की संभावना थी, कि क्यों 24 अप्रैल से आपको पता ही है आपका जो रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं और मोमडन कंट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लोगों ने ये उम्मीद करी थी कि भाई 22 अप्रैल को गवर्नमेंट, क्योंकि 22 अप्रैल को लॉकडाउन ओपन की समय सीमा ख़त्म हो रही थी आज की डेट में, लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ा के साथ ही उसको 8 मई तक कर दिया, यानी 22 अप्रैल से 8 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि वहां के मंत्री ने घोषणा की थी कि भाई 25 से 30 तारीख के बीच में कोरोना पॉजिटिव ज्यादा होंगे, और यह सच्चाई भी है, बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट को सख्त फैसला लेते हुए 8 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है आपके ओमान में। आगे काफ़ी लोगों में सर कमेंट आ रहे थे सर कि आउट पास, भाई आउट पास तो देखो आपको पता है, अगर आउट पास ओपन हो भी जाता, पहली बात तो ओपन नहीं है, अगर हो भी जाता तो कैसे आते, तो कोई मतलब नहीं। आउट पास अभी ओमान का बंद है, इसका अभी तक कोई ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। वीज़ा की बात करें साथियों, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपको हो गया, या कोई भी तरह का वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, बिजनेस या फिर कोई भी एक्सपायर जेड आपका वीज़ा हो वो एक्सपायर हो गया, तो भाई गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको लॉकडाउन होने ख़त्म होने के बाद एक्सटेंड का मौका दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हो एक्सटेंड होने के बाद, यानी वही वीज़ा काम आ जाएगा। या अलग बात है कि आपका चार्ज आपको देना पड़ेगा, या हो सकता है गवर्नमेंट फ्री भी कर दे, क्योंकि आपकी वजह से तो एक्सपायर नहीं हुआ, ये तो महामारी बीमारी है, इसी वजह तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ आपको राहत दे दे या फ्री भी कर दे, लेकिन आप एक्सटेंड वो वीज़ा हो जाएगा। इतनी मैं आपको गवर्नमेंट की जो नियम जो लॉकडाउन के दौरान घोषणाएँ की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चौथी बात करेंगे साथियों टिकट से रिलेटेड। तो भाई देखिए, टिकट का कोई ऑप्शन 3 मई तक तो कम से कम नहीं है, 3 मई के बाद आगे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, इधर से टिकट, उधर से टिकट, वो फ्लाइट फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, 3 मई को जो लॉकडाउन अगर आगे बढ़ जाता है खुदा ना खास्ता 10%, फिर भी आपका टिकट से रिलेटेड फ्लाइट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। साथियों ओमान से रिलेटेड मेरे पास यही अपडेट थी, अगर आपके पास कोई नई अपडेट है तो आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट के द्वारा करिए, आप लोगों की न्यूज़ में लोगों के पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही मोटिवेशनल वीडियो यहां पे मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।